सात नंबर सवाल है, शीशे की एक पेंसिल है ठीक है और लकड़ी के एक बेलन के अभियंतर मतलब अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है और ग्रेफाइट का व्यास। पेंसिल में ग्रेफाइट डाला गया है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन क्या? पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 mm ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे ठीक है, तो भाग दे देंगे तो 0.7 mm आ जाएगा और 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, तो 0.7 सेंटीमीटर बटे 2 ठीक है। तो R1 मान लेते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास। ग्रेफाइट का व्यास इसको D2 मानते हैं, 1 mm दिया है, 1 mm। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, 0.1 आएगा सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या निकालने के लिए 0.1/2, व्यास बटे 2 होता है, तो ये आ गया सेंटीमीटर, ये R2। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है लकड़ी का आयतन, तो पहले पेंसिल का आयतन निकालते हैं फिर ग्रेफाइट का, तब निकालेंगे लकड़ी का। तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन बराबर πr² h ठीक है। पाई का मान 22/7 ही लेना है, तो 22/7, आर का मान 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2×7 सेंटीमीटर। एच, एच का मान तो हम लिखे ही नहीं, 14 सेंटीमीटर है। एच का मान कितना है, एच का मान है 14 सेंटीमीटर, लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। 7 से काट दीजिए, 2 बार में गुना करते हैं, 22×7=154, एक अंक के बाद 7×7=14, एक अंक के बाद 0.5 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर हो इधर। चलिए बराबर करते हैं, 14×56 बाकी 5, 14×5=70, 5×75 बाकी 7, 14×14=7=21, 2 अंक के बाद 21.56 cm³ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए त्रिज्या है हमारा 0.7/2, बट्टा में 2 हम नहीं दिए, दे देते हैं, तो बट्टा में 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2×2=4 हो जाएगा, भाग दे देते हैं, 4×5=20, 1×5=15, तो 4×5=20, 4×3=12, उसके बाद 3×4=36, 2 अंक के बाद 5.39 cm³ ये आया हमारा। उसके बाद हम निकालते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन बराबर πr², पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या 0.1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2×2 cm और ऊंचाई 14 cm, काट दीजिए 7×2=14, 2 बार में 2 2 कट गया, 2 से काटिए 11 बार में, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 1.1 आएगा और गुना 0.1, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.11 आएगा, 0.11 cm³। एक ये आंसर हो गया दूसरा का। हमको पहले पूछा है किसका आयतन, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन निकालते हैं। लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन 5.39 cm³, ग्रेफाइट का 0.11 cm³, घटा देंगे तो 5.28 cm³ ये आंसर, एक आंसर, ये दूसरा आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नवा सवाल पर चलते हैं।